हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में आज मैं आपको ग्राफ एक बताने वाला हूँ। डेल यानी प्रिज्म में लाइट के डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हम जब प्लॉट कर रहे हैं तो इस ग्राफ के अंदर डेल और आई को वेरी करेंगे, मतलब आई को वेरी करेंगे और डेल उस हिसाब से वेरी करेगा। तो ये ग्राफ कोई डिफाइंड ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ थियोरिटिकली नहीं प्लॉट हो सकता है। ये ग्राफ को प्रैक्टिकली कोऑर्डिनेट ट्रेसिंग से प्लॉट करते हैं। वो अपन करते हैं ना, 10th में करते थे VI के ग्राफ को, कि पॉइंट्स बना बना के उनको लाइन से मिला देते थे। वैसे ये कोऑर्डिनेट ट्रेसिंग से ग्राफ बना है और ये प्रैक्टिकली ट्रेस होता है। ये थियोरिटिकली फॉर्मूले से या ये ग्राफ का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ के बारे में, ये ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखता है जैसा मैंने दिखाया है आपको ये, और ये ग्राफ असिमेट्रिकल है ना। ये पैराबोला नहीं है, ये असिमेट्रिकल कर्व है। ये यहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा है, यहाँ पे इनफैक्ट कर्वेचर ज़्यादा है, यहाँ पे कर्वेचर कम है। दिख रहा है आपको, ये थोड़ा यहाँ असिमेट्रिकल है। ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। इसका जो मिनिमम है वो शिफ्टेड है लेफ्ट साइड पे। तो ये ग्राफ पहली बात तो ऐसा बनता है। दूसरी बात, क्योंकि आई की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, आई को बढ़ाते जाओगे तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। अब कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये लाइट आप ऐसे ला रहे हो तो ये यहीं से एंटर होगी, ये आपको कैसे पता आ रहा है ना दिमाग में। तो बेटा ये एक्चुअली क्या है, ये एंगल एग्जैक्टली 90 नहीं है, ये मान लो 89.9999 समथिंग है। तो एग्जैक्टली 90 नहीं है और लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है 89.9999 करके कुछ एंगल पे, तो ये यहीं से ही तो एंटर होगी। ये है तो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशंस के लिए अपन इसको कितना ले रहे हैं, 90। तो इसको अपन बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस। मतलब ये लाइट जो इसमें एंटर हो रही है, ग्रेज कर रही है। ग्रेज यानी सरफेस के पैरेलल है, समझ गए। तो आई की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, आई की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 90। तो ये आई की मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 90। दिख रहा है आपको, क्लियर है। अब ये बताओ कि जब आई 90 होता है तो ई कितना होता है। चलो निकालते हैं अपन कि व्हेन आई इज 90, व्हेन आई इज इक्वल टू 90। तो आई अगर 90 है तो 1 sin i इज इक्वल टू μ sin r1। तो आई 90 है तो sin r1 कितना आ गया, 1 बाय μ। और ये तो आपको पता ही है कि ये तो साइन थीटा सी होता है, क्रिटिकल एंगल TIR का। तो r1 कितना हो गया, थीटा सी। बोलो आगे समझ, ठीक है। r2 कितना हो गया, r2 हो गया a-θc, क्योंकि r1 + r2 a होता है, सही है। स्नेल्स लॉ लगाओ, μ sin r2 इज इक्वल टू 1 sin e। तो μ sin r2 किसके बराबर है, a-θc इज इक्वल टू sin e। क्लियर है। तो ई कितना हो गया, ई हो गया sin−μ sin a−θc। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू आई है, इस पर सीधा न्यूमेरिकल आता है IIT JEE एडवांस में और मेंस में, कराऊंगा मैं भी, आ भी चुके हैं कई बार। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू हमको मिल गई कि जब आई 90 होगा तो E कितना होगा, sin−μ sin a−θc। आ रही बात समझ। तो ये जो एंगल है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ कि जब आई 90 है तो E कितना है, E है वही sin−μ sin a−θc।
क्लियर है यहाँ पे, जिन्होंने निकाल लिया। अब डेल क्या होता है, डेल जो होता है आपको दिख रहा है ये डेल जो डिविएशन है यहाँ पे, ये मैक्सिमम है, डेल मैक्स, इससे ऊपर नहीं जा रहा ना ग्राफ, तो इस पॉइंट पे डिविएशन मैक्सिमम है और डेल मैक्स आ जाएगा आई प्लस ई माइनस ए आ जाएगा। तो डेल मैक्स आ गया आपका आई, आई कितना है 90, ई कितना है साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी माइनस ए, ये आ गया आपका मैक्सिमम डिविएशन का फॉर्मूला, ये आपको याद करना है और ये तो है ही, ठीक है बेटा। तो एक तो ये, अब एक और चीज बताता हूं कि डेल क्या होता है, डेल होता है आई प्लस, इसको थोड़ा डेल होता है आई प्लस ई माइनस ए, सो इफ वी रिप्लेस आई एंड ई विद ईच अदर देन डेल रिमेन्स सेम। अगर हम आई और ई को एक दूसरे से बदल दें तो डेल सेम रहेगा ना, डेल अगर लिख दूं ई प्लस आई माइनस ए तो भी तो वही है, सही ना बात। तो सोचो कि डेल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू के लिए सेम रहता है, समझ गए आप। ये देख सकते हो आप कि ये जो डेल की वैल्यू है, ये जो वैल्यूज हैं, ये आई की दो वैल्यूज के लिए डेल एक ही है ना, सेम है ना, बस डेल जो है उसकी मिनिमम वैल्यू पे आई सिंगल ही होता है। इस पॉइंट पे जो है वो आई और ई बराबर होते हैं, हम जान चुके हैं ये बात, मिनिमम डिविएशन में आई और ई सेम होते हैं, वरना देर इज ऑलवेज टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ डिविएशन, समझ गए, एक्सेप्ट दैट फॉर द मिनिमम डिविएशन, ये जो है ये है डेल मिनिमम, क्लियर है क्या। अब बताओ बेटा कि अगर डेल की किसी भी एक वैल्यू के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं तो अगर डेल मैक्सिमम तब आ रहा है जब आई मैक्स 90 है और ई जो है वो ये है साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी, तो अगर आई और ई को इंटरचेंज कर दूं तो जो मैक्सिमम डिविएशन आएगा वो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आई और ई को इंटरचेंज कर दोगे तो इसमें ई 90 हो जाएगा और इसमें आई कितना हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी, देख रहे साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी, यानी जब इफ ई इज 90, जब ई 90 है तो इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस, यानी ये लाइट जब इमर्ज हो रही है तो प्रिज्म के दूसरे सरफेस को के पैरेलल ग्रेज करती हुई निकल रही है, तो आई तब कितना होता है साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी, और तब डेल भी वापस मैक्सिमम होता है, कितना होता है 90 प्लस साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी माइनस ए। तो बेटा डेल जो है वो दो बार मैक्सिमम होता है, कब कब, जब या तो आई 90 हो है ना, या फिर ई 90 हो, और जब आई या ई में से कोई भी एक 90 होगा तो जो दूसरा एंगल होगा वो होगा साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। बेटा ये नींद में भी याद होना चाहिए आपको, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो ये तो हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ असिमेट्रिकल होता है, और अगले वीडियो में
प्रिज्म की और प्रॉपर्टीज के साथ आता हूँ। थैंक यू।